सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड कार्ड में। तुम्हें फिर से आज रोज का एक नए वीडियो के साथ। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाले फैंटास्टिक कोरियन ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा कैसा है, आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, कितने सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे, कहाँ पे देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना है, और इस चैनल पर पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करना है, ताकि जब भी नई वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ अभी तक आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन किया तो वहाँ पे ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी ड्रामे आते हैं उसकी अपडेट आपको सबसे पहले वहाँ पे मिल जाती है। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हो, और इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाओ फॉलो करो, ज्वाइन करो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इस ड्रामे के बेसिक्स के बारे में। तो ड्रामे को 7.6 के रेटिंग मिला आउट ऑफ 10, और इसमें आपको टोटल 16 एपिसोड देखने मिलते हैं। और इसमें जो इसकी रनिंग टाइम रखी गई है 1 घंटे की रखी गई है। और बात कीजिए इस ड्रामे में स्टोरी की। ड्रामे में स्टोरी देखने को मिलता है एक लड़की जिसका नाम होता है लिसू। लिसू एक स्क्रिप्ट राइटर है जो कि एक कैंसर के ऊपर ड्रामा लिख रही है, लेकिन उसे अचानक से एक दिन पता चलता है कि उसे खुद ही ब्रेस्ट कैंसर है। अब वो पूरी तरीके से टूट जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करना है नहीं करना है। वो ये सारी चीजें भूल करके जो भी उसके पास 5 महीने की टाइम बची होती है वो अच्छे से जीना चाहती है, और जो उसने कैंसर के ऊपर जो ड्रामा लिखा है उस पर अब बहुत ही मतलब ज्यादा दिल से काम करना चाहती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होता है जिसका नाम होता है रियू। रियू एक सुपरस्टार है, और इसके अलावा 12 साल पहले ये दोनों रिलेशन में भी थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। अब क्यों हुए तो आपको ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा। तो क्या ये दोनों फिर से एक हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, और जब रियू को पता चलेगा कि इसे ब्रेस्ट कैंसर है तो आगे क्या सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। तो अब अगर बात करें इस ड्रामे के बारे में, तो जो ड्रामा की डबिंग है वो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। रहने और साइंस से तो कहीं अच्छी आई है इस ड्रामे की डबिंग, और साथ ही साथ इसमें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है वो थोड़ा सा बोल्ड है, क्योंकि ड्रामा 2016 है, तो समझ ही सकते हो मतलब कि सिनेमेटोग्राफी किस तरह की होगी। मगर आपने इस तरह की मूवी या फिर ड्रामे देखा है कैंसर वाली, तो आपको इसकी स्टोरी मतलब उतनी ज़्यादा मतलब खास नहीं लगेगी। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या है आपको ड्रामा देखना चाहिए नहीं देखना है, तो आपने अगर इस तरह के मूवी या फिर ड्रामे नहीं देखा है तो आप इस ड्रामे को देख सकते हो, अगर देखा है तो स्किप भी कर सकते हो, ओके। उतनी ज़्यादा मतलब आपको ये ड्रामा खास नहीं लगेगा, बाकी आप देख सकते हो। सो आप देख लो कि आपको ये ड्रामा देखना है या नहीं देखना है, तो मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपने इस ड्रामे को देखा है तो आपको कैसा लगा, और नहीं देखा है तो जा करके देखो और बताओ कि ये ड्रामा कैसा है। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद है, पसंद है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और इस चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करेंगे ऑल सेलेक्ट करेंगे, ताकि जब भी नई वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन किया तो ज्वाइन करें और इंस्टा पे फॉलो करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, चैन टेक केयर।